बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप लोग सारे ठीक होंगे। आज हम जो आपके पास ऑक्सफोर्ड मैथ्स 3 है, 7th अपडेटेड एडिशन, इसका एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वर्कशीट्स करने जा रहे हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू एक्सरसाइज 2B। ठीक है जी, ये हायर परचेज के रेफरेंसेस में आ रहा है। तो इसमें अगर एक क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ये एक आपके पास क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाई रेफरिंग टू द एडवर्टाइजमेंट। एक एडवर्टाइजमेंट आपको दी हुई है, लैपटॉप वॉज 21,980 PKR, नाउ 17,980 PKR। इसमें एक आपके पास कॉन्सेप्ट आपने ध्यान में रखना है, ये है उसकी ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, इसको आपने ओरिजिनल के तौर पर लेना है कि एक्चुअली उसकी प्राइस ये आ रही थी। और उसके बाद है कि 9 PKR, इसका मतलब है उसको यूँ समझ लें कि ये उसकी आपके पास डिस्काउंटेड प्राइस है। ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस यानी कि ओरिजिनल प्राइस है, उसने प्राइस क्या कर दी है, कम कर दिया। इसके साथ उसने क्या कहा है, या तो आप यूँ इसको कैश, इसको आप डिस्काउंटेड प्राइस भी कह दें, या आप एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा बेटा, दैट इज़ कैश प्राइस। ये जो अगर आप नगद वैल्यू देते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। लेकिन दूसरा उसने क्या कहा हुआ है, और कि अगर आप कैश में नहीं जाते, डिस्काउंटेड इसमें आपके पास इस प्राइस में नहीं जाते, तो फिर आप क्या करेंगे कि यू हैव टू पे 550 PKR पाकिस्तानी रुपीज़ मंथली। और कितने मंथ तक आपको पे करना पड़ेगा बेटा, यू हैव टू पे फॉर 38 मंथ्स। ठीक है, और यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट में है नो डिपॉजिट, कि एडवांस इसमें कोई भी नहीं है। कुछ क्वेश्चन आप कर चुके हैं, वहाँ पे एडवांस होता है, वो वैल्यू के लिहाज से भी होता है, या फिर आपके पास जो है वो परसेंटेज भी होता है। क्वेश्चन क्या आ रहा है, नेक्स्ट ईयर आपको एडवर्टाइजमेंट समझ आ गई। अब क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द परसेंटेज डिस्काउंट फॉर पेमेंट इन कैश कंपेयर टू द ओरिजिनल प्राइस, गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 1 decimal प्लेस। बी पार्ट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हायर परचेज एंड द ओरिजिनल प्राइस। एंड द सी पार्ट इज, व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट चेंज, सिंपल इंटरेस्ट चार्ज फॉर हायर परचेज, गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 significant figures। ठीक है जी, आपके पास जो है एक कॉकटेल की आवाज़ आपके पास आ रही है, जैसे मैं बोलता हूँ तो वो भी मेरे साथ साथ बोलता है। चलिए जी, अब आपके पास बेटा यूँ है कि इसको बेहतर है कि आप पास कर लें वीडियो को और ख़ुद अटैम्प्ट करें। अटैम्प्ट करने के बाद जो है फिर मैं इसका सोल्यूशन से डिस्कस करूँगा, और देन यू हैव टू कंपेयर विद दैट वन। अगर किसी बच्चे को ये क्वेश्चन पहले से नहीं आता तो फिर ये है कि आप इस वीडियो को पूरा देख लें, उसके बाद दोबारा से आप उसके रजिस्टर पे दोबारा से आप खुद कीजिएगा। ठीक है बेटा, ये मैं आपके पास जो है 5 seconds के बाद आता हूँ, पहले इसको पास कर लें। आफ्टर 5 seconds वी विल डिस्कस दिस वन। 1, 2, 3, 4, 5। ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। अब आप देखें कि आपने जैसे क्वेश्चन किया हुआ था और ये क्वेश्चन जैसे है, उसको देखें कि किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट देखिएगा, फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द परसेंटेज डिस्काउंट फॉर द पेमेंट इन कैश कंपेयर टू द ओरिजिनल प्राइस। ठीक है जी, अब मैंने आपको जैसे पहले गाइड किया था कि आपके पास डिस्काउंट कैसे होगा, कि आपके पास ये कैश प्राइस है। ठीक है जी, कैश प्राइस मतलब कम है, सर 17,000 में है, और जो ओरिजिनल प्राइस है दैट इज़ 21,000। तो आप इसका पहले डिस्काउंट निकालेंगे बेटा। डिस्काउंट में क्या होगा, आपके पास ओरिजिनल में से हम कैश प्राइस को माइनस करेंगे तो दैट वाज 4,000 PKR। ठीक है जी, इसको आपने ध्यान रख लेना है कि ये इसकी डिस्काउंट है। बट द क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड आउट दैट इज गिवन योर, यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज डिस्काउंट। आपने डिस्काउंट परसेंटेज में निकालना है, तो डिस्काउंट परसेंटेज बेटा क्या होगा, डिस्काउंट डिवाइडेड बाई ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100%। ठीक है, ये मैंने क्योंकि इससे सॉल्व किया हुआ है टाइम थोड़ा सेव करने के लिए। आंसर इज 18.20% या 18.2% भी आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में भी है कि यू हैव टू राइट इन 1 decimal प्लेस। ठीक है बेटा, बेटा इसका जो सेकेंड पार्ट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हायर परचेज एंड द ओरिजिनल प्राइस। अब हायर परचेज कैसे होगी, देखिएगा, जब हम अगर या तो आप कैश दे रहे हैं तो तब तो ये ठीक हो गया, लेकिन अगर कोई कैश नहीं दे रहा, वो आपके पास क्या कर रहा है, वो 38 मंथ्स तक जो है वो 550 जब देगा, तो इसका मतलब है कि वो किस में जा रहा है,
हायर परचेज का कॉन्सेप्ट वो इस्तेमाल कर रहा है। तो इसका मतलब है जब हायर परचेज में होगा देन यू विल मल्टीप्लाई 38 मल्टीप्लाई बाई 550, तो इसका मतलब आपके पास ये 20,900 PKR जो है वो आपका बन रहा है। ठीक है, एक्चुअल प्राइस कितनी थी, ये थी 17,980 यानी कि डिस्काउंट होने के बाद। लेकिन या तो वो ये ले, या अगर ये नहीं दे रहा, इस तरह कैश में नहीं दे रहा, तो फिर उसको ये अमाउंट देनी पड़ेगी। तो फिर आपके पास बेटा क्या रहा है, हायर परचेज क्या आ रही है 20,900, बट यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हायर परचेज। अब डिफरेंस का मतलब फ़र्क निकालना है, तो हायर ओरिजिनल वैल्यू ये आ रही थी आपके पास 21,980, ठीक है जी, और आपके पास जो वो आ रहा है हायर परचेज आ रहा है वो 20,900। तो इसका जो डिफरेंस बन रहा है बेटा वो आपके पास क्या बन रहा है, 1080 PKR। ठीक है, जब आप भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो तो साथ साथ इसको यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, एंड में ही आप उसको लिख लीजिएगा। ठीक हो गया जी, ओके जी। इस पे बेटा जो आपका थर्ड पार्ट है, व्हाट इज़ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट चार्ज फॉर हायर परचेज। ठीक है जी, अब आप देखिएगा कि जब अब अगर आप ओरिजिनल में आप दे रहे हैं यानी कि ओरिजिनल आप अमाउंट में दे रहे हैं तो आपको ये पे करना पड़ेगा, ठीक है ना, कैश में। लेकिन जब आप हायर परचेज में जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने ये सारे, अब डिपॉजिट भी कोई नहीं था, तो मतलब आपने ये सारे ही जो अमाउंट है वो आपने देनी है। तो इसका मतलब है जो प्रिंसिपल अमाउंट है बेटा वो आपके पास क्या है, 17,980, और रेट यू हैव टू फाइंड आउट, और इसका जो टाइम है क्योंकि वो दिया हुआ है 38 मंथ्स। और अब ये देखिएगा कि इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या आ रही है कि जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कैसे लगा हुआ है कि एक्चुअली आपके पास जो वैल्यू थी वो थी 17,980। लेकिन पीछे हमने एक सवाल किया है कि अगर आपके पास हायर परचेज में जाते हैं तो हायर परचेज में यू हैव टू पे 20,900, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 2,920 PKR जो है वो आपको एज ए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक हो गया, अब हमारे पास फार्मूला बेटा क्या होता है, I इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो इसमें हम अप्लाई जस्ट करते जा रहे हैं, कैसे करेंगे, इंटरेस्ट बेटा आपके पास क्या हो गया 2,920, प्रिंसिपल अमाउंट बेटा आपके पास ये है जो कि आपके सारी की सारी आपने पे करनी थी। उसके बाद रेट का आपको पता नहीं है, बट 38 मंथ्स का मतलब है देन यू विल डिवाइड बाय 12, तो आपको ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना जी, ये 38 मंथ्स हैं जहाँ पे, ये हमने बहुत सारे दफ़ा क्वेश्चंस किए हुए हैं, उसको अगर आप 38 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो वो ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ पर आपको 12 पे डिवाइड करना है, क्लियर बेटा, और नीचे 100 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे किया वो देख लीजिएगा कि 12 times 100 दैट विल बी 1200, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हमने इस वैल्यू को 17,980 को मल्टीप्लाई किया है 38 से, तो आपके पास ये सारी वैल्यू आ रही है, और इससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रेट बिटा आ रहा है दैट इज़ 5.13। तो 5.13 जो है वो आपका रेट है। ठीक है जी, उम्मीद आपको ये शीट जो है वो क्लियर हो गई होगी सारी। तो आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उससे डिस्कस कर लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको क्लियर हो रही होती है तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख दिया करें ओके, या आपके पास अंडरस्टूड इस किस्म की कोई कमेंट्स दे दिया करें, ताकि वो हमारे पास जो है एक मोटिवेशनल हो जाती है कि बच्चे इसको देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।